2018 में बिल गेट्स ने कहा था द वर्ल्ड नीड्स टू प्रिपेयर फॉर पेंडेमिक जस्ट लाइक वॉर्स एंड बाय द डेट ऑफ 27 फेब 2020 मोर देन 82,000 लोग इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस से, जिसमें से डेथ हो चुकी है ऑलमोस्ट 2800 लोगों की, मोर देन 2800 लोगों की, और जिसमें से कि 33,000 लोग, मोर देन 33,000 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। सो ये कोरोना वायरस है क्या और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है वर्ल्ड ट्रेड पे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम इंटरनेशनल ट्रेड की बातें करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, ये शुरू कब हुआ था और इसके क्या यू नो पॉसिबली इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे वर्ल्ड ट्रेड पे, सप्लाई चेन पे। दिसंबर में जब पहला केस रिपोर्ट हुआ था तब इसको यू नो नोवल कोरोना वायरस कहा जा रहा था, क्योंकि ये इतना नया है कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या बोलें इसको, नोवल कोरोना। बट कुछ दिनों पहले ही अभी इसका नाम पड़ा है जो कि है कोविड-19। कोविड-19 जो है ना एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है, जैसे कॉमन कोल्ड होता है वो भी कोरोना वायरस से होता है, मिडिल ईस्ट में जो हुआ था मर्स यू नो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वो भी कोरोना वायरस की फैमिली का ही था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स जो कि 2003 में हुआ था ग्वांगडोंग प्रोविंस में चाइना में ही, वो भी कोरोना वायरस के फैमिली वाले वायरसेस से ही हुआ था। कोरोना वायरस जो है ये एक जूनोटिक वायरस है, जूनोटिक का मतलब है ये पहले अकर हुआ था यू नो एनिमल्स में, फिर एनिमल से इंसानों में आया है, तो इसका अकरेंस जो है वो एनिमल है, एनिमल से इंसानों में ट्रांसफ़र हुआ है ये वायरस। इसका अकरेंस जो हुआ था वो चाइना के हिवे प्रोविंस में एक जगह है वुहान, वहाँ पे एक यू नो सी फूड मार्केट है जहाँ पे लोग कहते हैं कि इनलीगली काफ़ी सारे एनिमल्स का मीट भी बिकता है, उसी मार्केट से इसका अकर ओरिजिन हुआ था। बट इसका एग्जैक्ट ओरिजिन अभी भी क्लियर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बैट्स के थ्रू आया होगा यानी चमगादड़, या कुछ लोग भी ये भी कहते हैं कि ये फ्रॉम स्नेक्स आया है यानी कि सांप, और इन दोनों का मीट ही वहाँ पे बिकता है। इनफैक्ट कॉन्स्पिरेसी तो इस तरह की भी है कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जो कि चाइना यू नो बनाने की कोशिश कर रहा था अपने पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वुहान से 30 किलोमीटर दूर ही एक लेवल फोर का लैब वो होता है जहाँ पे यू नो ये लोग वायरसेस को लेके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं और दूसरे डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो सिर्फ वुहान के उस सी फूड मार्केट से 30 किलोमीटर दूर है। तो कई सारे बड़े बड़े नेशंस तो ये भी कहते हैं कि ये चाइना का खुद का ही बनाया हुआ वायरस है जो कि बाई एक्सीडेंट आउटब्रेक हुआ है और उन्हीं के खुद के रीजन में फैल चुका है। कोरोना वायरस का पहला केस दिसंबर में रजिस्टर किया गया था चाइना के वुहान शहर में, इसीलिए इसका नाम यू नो कोविड-19 पड़ा है। अब तक ये वायरस ऑलमोस्ट 33 कंट्रीज में फैल चुका है, प्लस एक डायमंड प्रिंसेस करके एक क्रूज शिप है जो कि योकोहामा जा रहा था, उस क्रूज शिप में भी कई लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। ऑक्सफोर्ड के इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं कि सार्स के दौरान ग्लोबल जीडीपी में अराउंड $60 बिलियन का हिट आया था कोरोना वायरस के लिए, वो कहते हैं कि ये और भी ज़्यादा हो सकता है। इकोनॉमी ऑफ चाइना इन 2003 वॉज ओनली 4.4%, बट नाउ इट इज़ मोर देन 16%। ऑल्दो चाइना हैज़ यूज देयर एक्सपीरियंस ऑफ सार्स इन 2013, उन्होंने इस वायरस के जीन सिक्वेंस को विद इन 7 डेज में डिकोड कर लिया था, 10 दिनों के अंदर उन्होंने हॉस्पिटल खड़े कर दिए थे। बट इन सब के बावजूद यू नो चाइना वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो कि अराउंड $13.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी क्या है इस वायरस के आने से पहले। But due to the virus, you know, most of the factories in China have stopped working. Airports closed हैं. Area responsible for 70% GDP is shut. 5% of GDP in Hubei province only. China जो है ना one of the top exporters of world है from the last decade. 5% GDP only Hubei province में था. Companies like Honda, Apple, PepsiCo, H&M, IKEA, McDonald's, Starbucks, Disney, Delta, American Airlines, United Airlines, Honda और न जाने कितने ही बड़े ब्रांड के factories हैं चाइना में जो कि shut हैं इस time पे. Ground zero of the virus, which is Wuhan city, is the hub for automotive parts manufacturing. 10 में से 2 बड़ी universities Wuhan city में ही locate हैं. China की tourism industry, New Year के time पे जो इतना ज़्यादा boom करती है, वो भी बहुत ज़्यादा decline हुई है. According to the report, around 55% decreased in tourism is noticed. हम अगर Hyundai की बात करें ना, अरे due to shortage, they have already shut down their South Korean production. उन्होंने अपनी company South Korea में जो उनकी plant था, वो बंद पड़ा है इस shortage की वजह से. ये तो बात रही global की. अब बात करते हैं India की. China से जो major items India import करता है, वो मशीनरी टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। चाइना इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है पिछले डेकेड में। इन 2019 ओनली 14% का जो इंपोर्ट है वो चाइना से हुआ है, 5% एक्सपोर्ट चाइना को किया गया है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो इंडस्ट्रीज है इंडिया में वो है आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर। थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। अभी पीछे सोर्सेज के अकॉर्डिंग यू नो कई ग्लोबल बायर्स हैं जिन्होंने फॉर सेरेमिक, होमवेयर, फैशन एंड लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स एंड फर्नीचर के लिए इंडिया को अप्रोच किया है, क्योंकि
वो चाइना से अभी सोर्सिंग नहीं कर पा रहे। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि वी कैन एक्सपेक्ट इन राइज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग गुड एंड मरीन प्रोडक्ट्स ऑल्सो, एंड ड्यू टू द सिचुएशन क्रूड ऑयल प्राइसेस आर ऑल्सो गोइंग लो विच में बेनिफिट द इंडियन मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हिट हुई है कोरोना वायरस से, ऑटोमोटिव मार्केट बहुत ज़्यादा हिट हुई है, पार्ट्स नहीं आ रहे हैं चाइना से। निर्मला सीतारमन जी जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप्स जरूर लेगी अगर ये सिचुएशन इसी तरह चलता रहा। इंडिया यू नो सोर्स करता है अराउंड 60-75% फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम चाइना, 90% ऑफ सर्टन मोबाइल पार्ट्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना ओनली। दारा पटेल जो कि यू नो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर है, उनका कहना कुछ इस तरीके से है। वो कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल है फॉर जो यू नो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाले ड्रग्स हैं जो कि पैरासिटामोल और आइबुफ्रेन है, सिर्फ 15 दिनों तक ही लास्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो है ये इन चीज़ों के रेट बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। थोड़ी सी बात करते हैं हमारे इंपोर्ट के बारे में, क्या इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम चाइना रियली स्प्रेड द डिजीज़? क्या हम लोगों को डरने की ज़रूरत है? यार मैं भी कार्गो में काम करता हूँ, क्या मुझे डरने की ज़रूरत है वहाँ पे कार्गो को हैंडल करते हुए? सो अब तक तो ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है जिसमें द वायरस है स्प्रेड बाई कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और यू नो कॉन्टैक्ट विद ड्राई प्लेस। सो इट इज़ वेरी अनलाइकली टू यू नो दैट द इम्पोर्टेड गुड्स सच एज इम्पोर्टेड फूड और कंज्यूमर गुड्स में यू नो ट्रांसफर द वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम चाइना टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यू नो वायरस की जो एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। तो गुड्स को हैंडल करते हुए हमें कहीं डरने की ज़रूरत तो नहीं है, अब तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ऐसी कोई नॉलेज है नहीं, और WHO ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है।